हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर साइड स्लिट हाई लो कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है, प्रिंटेड फैब्रिक, और इसके बाद मैंने ये जो प्लेन फैब्रिक लिया है ये 1/2 मीटर लिया है। इसमें हम सिर्फ टॉप का पार्ट बनाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो अभी हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को देखिए 4 फोल्ड में रख लिया है। जितनी भी टॉप की लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लेंथ ले ली है। मैंने 15 इंच ली है, 14 इंच की रेडी होगी ये बनने के बाद। और विड्थ इसकी आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है, चेस्ट का 1/4 + 2 इंच रखना है। और यहाँ बन साइड से हम शोल्डर मार्क करेंगे, तो इसे मैं स्लीवलेस रख रही हूँ, तो जितनी हम नॉर्मल शोल्डर रखते हैं उसे 1/2 इंच बढ़ा के रखते हैं। मैंने 7 इंच लिया है। आर्म होल के लिए भी हम 6.5 इंच लेंगे। यहाँ मैं 6.5 पे मार्क कर लेती हूँ। और इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे यहाँ। और फ्रंट आर्म होल के लिए हम यहाँ से 1 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे और ऊपर तक इसे क्रॉस में मिला देंगे। इस तरह से हमें मिला लेना है। और अभी हम चेस्ट मार्क करेंगे, तो चेस्ट का 1/4 + 2 इंच लेना है। तो मैं 11 इंच ले रही हूँ, 1/4 में मैं 9 इंच और 2 इंच मैंने मार्जिन लिया है। टोटल मैं 11 इंच ले रही हूँ। यहाँ भी हम एक लाइन बना लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम इसे गुलाई देंगे। तो ये हमारा बैक के लिए होगा और ये दूसरा हमारा फ्रंट के लिए होगा। इसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट के लिए भी वेस्ट का 1/4 + 2 इंच लेना है। तो 1/4 में मैं 7 इंच लूँगी प्लस 2 इंच मार्जिन, तो टोटल मैं 9 इंच लूँ, तो टोटल मैंने 9 इंच लिया है। इस तरह से मिला लेंगे। और इसके बाद हम नेक मार्क करेंगे। तो नेक की विड्थ मैं यहाँ 3 इंच लूँगी, मैंने 3 इंच मार्क किया। और नेक डीप के लिए मैं 3.5 इंच लूँगी। फ्रंट और बैक दोनों के लिए मैंने 3.5 लिया है। और अभी हम इस तरह से मिला लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। और इसके बाद हम इसे राउंड शेप देंगे। ये मैंने इसे राउंड शेप दिया। और अभी हम शोल्डर पे 0.2 इंच डाउन करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम सेम निशान पे इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले जो बैक का आर्म होल है हम उसकी कटिंग करेंगे, और एक पार्ट अलग करने के बाद हम फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। अभी हम इसमें से एक पार्ट अलग करेंगे। बैक का पार्ट और फिर से इसी तरह रख लेंगे। और यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल कट हो गई। अभी हम इसे खोल के रखेंगे फ्रंट के पार्ट को, और इसमें हम फ्रंट नेक की शेप देंगे। तो यहाँ से लेफ्ट साइड से हम मार्क करेंगे। तो इसकी नेक डीप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी रखना चाहते हैं। मैं इसमें 6 इंच रख रही हूँ, मैंने 6 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ पे हम एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और इस लाइन से फिर हम इसमें गोलाई में शेप देंगे दूसरी साइड तक। इस तरह की शेप देनी है मुझे। और अभी हम इसे कट कर लेंगे इसी लाइन पे। तो ये हो गई हमारे नेक की कटिंग।
फ्रंट के, और अभी हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने एक पीस ले लिया है फैब्रिक से, इसे हम इस तरह से रखेंगे। मैंने फ्रंट का पार्ट लिया है, इस तरह से बराबर से रखेंगे। तो सीधी साइड हम नीचे की साइड रखेंगे, इसे मैंने उल्टी साइड से रखा है। और इसके आर्म होल और नेक में हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से बराबर से रखेंगे और आर्म होल और नेक में सिलाई लगाएंगे। तो अभी हम इसे पिन से अटैच कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे चारों तरफ से पिन से अटैच कर लेंगे, और अटैच करने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और ठीक इसी तरह से हम बैक का पार्ट भी तैयार करेंगे। ये हमारा बैक का पार्ट है, और इस तरह से रखेंगे बैक के पार्ट को, और इसमें भी हम आर्म होल और नेक में सिलाई लगाएंगे। तो इसे भी हम पिन से अटैच कर लेंगे, और अटैच करने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, और अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है आर्म होल और नेक से। और कट करने के बाद हमें इसमें कट्स बनाने हैं छोटे छोटे। कट्स बनाते टाइम सिलाई का ध्यान रखें। तो आर्म होल और नेक में हमें कट्स बना लेने हैं, और कट्स बनाने के बाद हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेंगे। इस तरह से हमें टर्न कर लेना है। बैक के पार्ट को भी हम इसी तरह से राइट साइड में टर्न कर लेंगे। तो इसका भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पहले हम उसे कट कर लेंगे आर्म होल और नेक से, और उसके बाद कट्स बनाने के बाद इसे भी हम राइट साइड में टर्न कर लेंगे। इसे भी हम टर्न कर लेंगे। और टर्न करने के बाद इसमें हम आर्म होल और नेक में एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में आर्म होल और नेक में हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हम इसमें टॉप स्टिच बना लेंगे। तो मैंने टॉप स्टिच लगा ली है, हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स रेडी हैं। और इसके बाद फ्रंट पार्ट हम लेंगे, और यहाँ से शोल्डर से हम नीचे तक हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे हम एक लाइन बनाएंगे, और इसमें मैं लेस अटैच करूँगी। तो ये मैंने लेस ले ली है, तो इसे हम ऊपर की साइड से यहाँ से लाइन के एक साइड रखते हुए इसे हम अटैच करेंगे। लेस को हमें कट नहीं करना है, हाफ इंच छोड़ के हम लेस को अटैच करेंगे। नीचे से हाफ इंच हम छोड़ देंगे इसका बॉटम अटैच करने के लिए। और एक दूसरी लेस भी मैंने ली है जो हम यहाँ से अटैच करेंगे। पहले फोल्ड कर देंगे हाफ इंच अंदर की साइड इस तरह से, और दूसरी साइड लाइन के दूसरी साइड इसे रखेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। इसमें भी हम नीचे हाफ इंच छोड़ देंगे बॉटम अटैच करने के लिए। तो देखिए मैंने लेस अटैच कर ली है, और नीचे से देखिए मैंने हाफ इंच छोड़ दिया है बॉटम को अटैच करने के लिए। अभी हम इसके शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो दोनों सीधी साइड अंदर रखेंगे इस तरह से, और इसके शोल्डर पर सिलाई लगा लेंगे।
और इसके बाद हम बॉटम कट कर लेते हैं। तो जितना भी मेरा फैब्रिक है, ये 2 मीटर, मैंने इसे 2 फोल्ड में रख लिया है। और इसके बाद हम इसे 1 फोल्ड और करके ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करना है। तो देखिए, मैंने ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड किया है। और इसके बाद हम इसमें ऊपर की साइड यहाँ पे वेस्ट मार्क करेंगे। तो वेस्ट का 1/4 प्लस हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, दोनों साइड मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे कॉर्नर से हम देख लेते हैं हमारी दोनों साइड बराबर आए। तो इस तरह से इसके बाद हम इसे गोलाई में मार्क कर लेंगे वेस्ट। जैसे हम अम्ब्रेला कट करते हैं, हम इसे गोलाई में मार्क कर लेंगे। इस तरह से आप एक बारी नाप के देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो हम 14 इंच ऊपर छोड़ देंगे जो हमारा टॉप पार्ट है, और यहाँ से हम लेंथ मार्क कर लेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो फ्रंट से हाई आएगी और साइड से ही, दोनों साइड ये लो आएगी। तो यहाँ पे लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लें। और इसकी दूसरी साइड हम लो रखेंगे। तो आप जितना भी इसे रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे 28 इंच ले लेती हूँ। मैंने 28 इंच लिया और इसके बाद यहाँ से हम इसे मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। और मार्क करने के बाद हम इसी निशान पे इसे कट करेंगे। इसकी वेस्ट भी हम कट कर लेंगे। तो ये हो गई बॉटम की कटिंग। अभी यहाँ से जो ज्वाइंट है उसे हम कट करके ओपन कर लेंगे। तो हमारे फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ से हमने इसे कट किया। अभी ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए हैं, फ्रंट और बैक के। इसमें से हम एक पार्ट हटा देंगे, कोई भी एक पार्ट हटा लेंगे। और इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसे मैंने सीधी साइड से रख लिया कपड़े को, और फ्रंट में हम इसकी स्लिट बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए, जहाँ से हमने लेस अटैच की है वहाँ से हम एक साइड मार्क कर लेंगे। तो ये हमारी 6 इंच आ रही है। और यहाँ पे वेस्ट की साइड हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 7 इंच लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा दोनों साइड हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा स्लिट में, तो इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ से नीचे तक हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, बिल्कुल नीचे तक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और इसी लाइन पे हम इसे कट करेंगे। अभी हम इसे कट कर लेते हैं। और इसके बाद साइड, इसके किनारे से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड में इसी तरह फोल्ड करके नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। और इसके बाद हम इसका टॉप पार्ट अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम रख लेते हैं। और यहाँ तक जो हमने लाइन बनाई थी टॉप पार्ट में, वहाँ तक हम इसे अटैच करेंगे एक साइड। और यहाँ से हम पिन अटैच कर लेते हैं। और इसके बाद दूसरे पार्ट को भी यहाँ रखते हुए बिल्कुल बराबर से रखेंगे। और इसे भी हम पिन से अटैच कर लेंगे। और इस तरह से पकड़ते हुए हम फ्रंट टॉप और बॉटम को ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये मैंने टॉप और बॉटम ज्वाइंट कर लिया। अब इस लेस को हम इस तरह से दोनों साइड में अटैच करते हुए बिल्कुल नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। और ये दूसरा पार्ट जो है लेस का, वो हम दूसरी साइड अटैच कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल नीचे तक हमें अटैच कर लेनी है।
तो देखिए मैंने लेस अटैच कर ली है बिल्कुल नीचे तक, और अभी हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे, और शोल्डर अटैच करने के बाद हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से रखेंगे और इसके शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पे हम फिटिंग का निशान भी इसके बना लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। तो चेस्ट के लिए हम यहाँ से चेस्ट का सेंटर मार्क कर लेंगे, पहले बिल्कुल सेंटर पे मार्क करेंगे, और सेंटर से एक साइड हम चेस्ट का 1/4 मार्क कर लेंगे, और इसी तरह दूसरी साइड भी चेस्ट का 1/4 मार्क कर लेंगे, और ठीक इसी तरह से हम वेस्ट की भी मार्किंग कर लेंगे। पहले सेंटर मार्क करेंगे और उसके बाद सेंटर से एक साइड 1/4 लेंगे वेस्ट का, और दूसरी साइड भी 1/4 लेंगे। इन पॉइंट्स को इस तरह मिला लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, और इसके बाद घेर को भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, हमारी कुर्ती बनके रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।